इंडस्ट्री में ये सब होना ही है। दोस्तों आज का ये वीडियो किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। हिंदी सिनेमा में जब जब खूबसूरत अभिनेत्रियों का जिक्र हो और दिव्या भारती का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इन्होंने बेहद कम उम्र में और बेहद कम समय में फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम जमा लिया था। और किसी और की पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे अपनी पोजीशन खुद बनानी है। वो अपने समय के टॉप के अभिनेत्रियों में से गिनी जाने लगी। एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। अभी वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ी रही थी कि अचानक एक दिन इस दुनिया को अलविदा कह पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया। उनकी मौत की गुत्थी आज भी अनसुलझी पहेली की तरह है। दिव्या भारती ने अपने छोटे से करियर में कुल 92 फिल्मों को साइन किया, लेकिन अचानक उनकी हुई मौत की वजह से जिन निर्माताओं ने उनको साइन किया अपनी फिल्मों के लिए, वो बहुत मुसीबत में पड़ गए। जब दिव्या भारती की मौत हुई, उस समय वो कई सारी फिल्मों की शूटिंग कर रही थी। अचानक हुए दिव्या की मौत की वजह से तमाम प्रोड्यूसर्स बहुत परेशान हुए और उन्होंने एक रास्ता निकाला। और वो रास्ता ये था दोस्तों कि जितने भी सीन दिव्या भारती ने शूट किए, वो तमाम सीन रीशूट किए गए किसी अन्य अभिनेत्री के साथ। ऐसी ही एक फिल्म थी जिसे दिव्या भारती कर रही थी। इस फिल्म का नाम था लाडला। लेकिन अचानक हुई मौत की वजह से ये फिल्म 6 महीने तक रुकी रही। फिल्म हमने बनाई थी विद दिव्या भारती एंड पूरी फिल्म हमने बना दी थी एक्सेप्ट क्लाइमेक्स, और क्लाइमेक्स के पहले अनफॉर्चुनेटली दिव्या की डेथ हो गई। फिर हमने ये पूरी फिल्म दोबारा बनाई। और जब फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू की गई, तब दिव्या भारती की जगह श्रीदेवी को इस फिल्म में लाया गया। कहा जाता है कि इन दोनों अभिनेत्रियों में बहुत सारी समानताएं थी। इन दोनों के लुक्स और अदाएं एक जैसी थी। आप जिन मजदूरों के करीब रहना चाहते थे, मैंने आपको उनसे कोसों दूर कर दिया। आज से यूनियन भी मैं हूँ और लीडर भी मैं। हाँ तो दोस्तों, मैं आपसे कह रही थी कि फिल्म लाडला की शूटिंग जैसे ही शुरू हुई, सेट पे अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी जिससे सबके रोंगटे खड़े होने लगे। फिल्म के कई कलाकारों ने इन सब घटनाओं को पास से महसूस किया। क्या थी वो घटना और इस समस्या का समाधान कैसे निकाला गया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं नैना टॉकीज। दोस्तों कहा जाता है कि दिव्या भारती को फिल्म इंडस्ट्री में लाने का श्रेय गोविंदा को जाता है। फिल्म शोला और शबनम बन रही थी, उस समय हीरोइन की तलाश जारी थी। उसी समय गोविंदा ने दिव्या भारती को साजिद नाडियाडवाला से मिलाया और यही मुलाकात बाद में प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी कर ली और अंधेरी के एक फ्लैट में रहने लगे। दोस्तों यही वो फ्लैट था जहां से गिरकर दिव्या भारती की मौत हुई। दिव्या भारती जैसी खूबसूरत अभिनेत्री शायद ही अब हमें सिल्वर स्क्रीन पे देखने को मिले। आई थिंक कि अगर दिव्या होती ना तो हम में से कोई दिखता नहीं आज। दोस्तों आज हम आपको इस फिल्म से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने सुना भी नहीं होगा। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी के साथ अजीबोगरीब घटना घटित हुई थी। अनिल कपूर और श्रीदेवी बॉलीवुड की सुपरहिट जोड़ी थी। जुदाई हो या फिर लाडला मूवी, इस जोड़ी ने जब जब बड़े पर्दे पर अपनी केमिस्ट्री दिखाई है, लोग इनके दीवाने हुए हैं। इस फिल्म में श्रीदेवी के दमदार रोल को खूब पसंद किया गया था। हड़ताल करवाएगा, उनके हक की बात करेगा। इस फिल्म का डायलॉग जरा
फेस इधर कर रहा। आंख मुंह होंठ तो सब ठीक है, बस इस छोटी सी नाक पर बहुत ज्यादा गुस्सा रखा हुआ है। सुपर हिट डायलॉग रहा था। इस फिल्म के गाने भी सुपर हिट रहे। लड़की है क्या रे बाबा, इसकी अदा रे बाबा। लाडला की फिल्म में एक ऑफिस सीन होता है जिसमें बार बार दिव्या भारती अटक जाती थी। उसी के बाद जब श्रीदेवी ने यह सीन किया तो वो भी हूबहू उसी तरह अटक रही थी। मैं कमिन। कमिन। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम जरा फेस इधर कर रहा। उनसे डायलॉग की डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। ठीक वैसे ही वो अटक रही थी जैसे दिव्या भारती अटकती थी। सीन के कई रीटेक हुए, ऐसे में सबके पसीने छूटने लगे, सब डर से गए। बताया जाता है कि इसके बाद सेट पर मौजूद पूरी टीम ने गायत्री मंत्र का जाप किया और नारियल फोड़ा। उसके बाद जाकर इस फिल्म की शूटिंग शुरू की गई। मेरे हाथ पे अपना हाथ रखकर वचन दीजिए कि आप अपने बेटे का हाथ मेरे हाथ में देंगी। इस फिल्म के बारे में बात करें तो शक्ति कपूर इस फिल्म में एक विलन के किरदार में थे। जानकारों के मुताबिक उन्होंने बताया था कि जब 6 महीने बाद इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी तब सेट पर कुछ अजीबोगरीब हादसे होते थे। श्रीदेवी शक्ति कपूर और रवीना टंडन के साथ एक सीन शूटिंग कर रही थी। उस वक्त श्रीदेवी उसी जगह पर अटक गई थी जहां दिव्या भारती अटक जाती थी। ये सब देखकर रवीना टंडन और शक्ति कपूर भी हैरान हो गए। वहां मौजूद लोगों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिव्या भारती की मौत को 29 साल पूरे हो गए हैं। सबको दिव्या भारती श्रीदेवी के कार्बन कॉपी लगती थी। कहा जाए तो बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हीरोइनों में से एक थी दिव्या भारती, जिनका जादू ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं गाने से चला था। चौंकाने वाली बात यह है कि दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी को होता है और उसी जगह श्रीदेवी की मृत्यु 24 फरवरी को हुई थी। कुछ ऐसी बातें आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज भी लोग इन सब बातों को जानकर हैरान रह जाते हैं कि इतना इत्तेफाक दोनों में कैसे हो सकता है। टॉप पे पहुंचने का है लेकिन अपना काम खुद करती है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो उस समय के फिल्मी पत्र पत्रिकाओं में छपे आर्टिकल पे आधारित है। हम एक बार फिर दोहराते हैं, ये वीडियो किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं कि प्रतिभा को दबाया नहीं जा सकता। आए हो तो देख लो दुनिया जरा, जीने वालों ले लो जीने का मजा। लेकिन हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसी प्रतिभा थी जिन्हें दबाया भी गया और कुचला भी गया। जिनकी आवाज की तुलना सिर्फ सम्राज्ञी लता जी से की जाती थी, लेकिन उन्हें हमेशा ही द्वयम दर्जे की गायिका के तौर पे देखा जाता था। हिंदी सिनेमा की इस गंदी राजनीति से तंग आकर उन्होंने हिंदी सिनेमा को इस गाने के साथ अलविदा कह दिया। उनकी आवाज में इतनी मिठास थी मानो कानों में शहद घोल रही हो। जब उनके गीत फिल्म जगत में गूंजे तो दर्शक उनकी आवाज पर मर मिटे। इनकी आवाज का जादू भाषाओं और सरहदों की दीवारों को तोड़कर पूरी दुनिया में फैल रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी इस परफेक्ट गायकी के कारण उनके दौर में सुर साम्राज्ञी का ओहदा हासिल की हुई गायिका तक का सिंहासन डोलने लगा था। आज कर तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर जबान पर। अच्छा। सबको मालूम है और सबको। इनकी गायकी इतनी परफेक्ट थी कि उस समय लता जी की आवाज को भी टक्कर देने लगी थी।